नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्यूरेट आंसर चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो एग्ज़ाम हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है और आप सब टाइपिंग में लग जाइए। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया हूँ। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप ज़रूर टाइपिंग में लग जाइए। तो दोस्तों, जनरल के लिए 70 से 72 कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका इतना नंबर है तो ज़रूर टाइपिंग में लग जाइए। ओबीसी के लिए 66 से 69, एससी के लिए 62 से 64 और एसटी के लिए 58 से 59। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़रूर टाइपिंग में लग जाइए। और इसके सेकंड स्टेज में हिंदी इंग्लिश दो टाइपिंग होगी। दोस्तों, मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं, 80+ हैं या 90 की लाइन में चले गए हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। उनका कहना है कि टाइपिंग एक महीने में हम सीख लेंगे, मगर दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइपिंग पूरी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी टाइपिंग होगी, और रेगुलर टाइपिंग करिए। ऐसा नहीं कि आज करें, दो दिन ना करें या तीन दिन करें फिर दो दिन ना करें, ऐसे टाइपिंग नहीं होगी, नहीं क्लियर कर पाएंगे। टाइपिंग को रेगुलर करिए, भले 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा ही करिए, मगर रेगुलर करिए, तभी आपका वहाँ क्लियर हो पाएगा। क्योंकि घर में टाइपिंग करना और एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइपिंग करना में ज़मीन आसमान का अंतर है। घर में आप टेंशन फ्री रहते हैं, आपको पता है कि अगर नहीं भी कर पाया तो दोबारा कर लेंगे, मगर दोस्तों एग्ज़ामिनेशन हॉल में सिर्फ आपको एक मौका मिलेगा, उसी एक मौके में आपको अपना हुनर दिखाना है। अगर वहाँ चूक गए तो एक नौकरी से चूक जाएंगे और एक नौकरी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसी एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी जगह कोई भी एग्ज़ाम हो, हर स्टेज को उतनी ही मेहनत से तैयारी करिए जितनी मेहनत से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हर स्टेज सरकारी नौकरी का बहुत महत्वपूर्ण है। टाइपिंग को आसान मत समझिए, जिनका ज़्यादा नंबर है वो भी ना समझें और जिनका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैं बता रहा हूँ वो भी ना समझें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 80+ वाला टाइपिंग कर जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जिस तरह आपने रिटन में मेहनत की है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप टाइपिंग में करिए। और धन्यवाद दोस्तों।